एक बार एक मंत्री गया विदेश में, तो दो लोग बात कर रहे थे, दूसरा मंत्री भी बैठा हुआ था, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बैठा था देश का। तो उसने उसके सामने पैर के पैर, अपने पैर के ऊपर पैर रख लेते हैं ना कई बार बैठते समय कुर्सी के ऊपर, तो जब पैर के ऊपर पैर रख लेते हैं तो जूते पहने हुए थे और दूसरा व्यक्ति पास में बैठा हुआ है, तो हमारा पैर दूसरा अगर दाईं ओर बैठा और हमने बायां पैर अपने दाएं पैर पर रखा तो हमारा पैर उसकी ओर होगा कि नहीं? तो हम अगर जूता पहन करके उसकी ओर पैर करें तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो ऐसी घटना घटी और बाद में सब लोग उसको कहने लगे, देखो कैसा बेवकूफ है, इसमें इतनी अकल नहीं। अब वो मंत्री तो बन गया लेकिन उसको बचपन से ये सब चीजों की शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो उसका सब संसार में थू थू हुआ, सब ने उसका अपमान किया, सब बोले देखो कैसे गधे लोग मंत्री बने। तो जब हमारा बचपन से अच्छी आदतें नहीं सीखते तो वही गंदी आदतें बड़े होकर के बड़े लोगों के बीच में भी हो जाती और फिर उसके कारण हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। समझ में आ रहा है ऐसा कि नहीं? अगर वो बचपन से ही उसको कोई टोकता और उसे स्वीकार कर लेता वो, तो उसे ऐसा सुनना पड़ता नहीं? उसका खुद का भी अपमान हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों ने अपमान किया। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि कोई हमें बताता है, सिखाता है, समझाता है, हमें गंभीरता से सीखना चाहिए।